बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में परीक्षा को ही लेकर एक ऐसा वाक्या सामने आया है जिसे सुन करके अब हर कोई हैरत में है कि आखिर कैसे सिनेमा जगत के एक अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री सनी लियोनी का बेटा इस शहर में पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आखिर इन लोगों ने शादी कब की। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के ही बीए स्नातक पार्ट 2 के एक छात्र के द्वारा ऐसी शरारत की गई है, जिसने ग्रेजुएट के पार्ट 2 की परीक्षा के लिए भरे जा रहे फॉर्म में उसने अपने पिता के नाम वाले कॉलम में बॉलीवुड की अभिनेता इमरान हाशमी का नाम लिखा है। यही नहीं बल्कि माता के नाम वाले कॉलम की जगह पर भी अभिनेत्री सनी लियोनी लिख दिया है और इसके साथ ही छात्र ने अपने पते के जगह पर चतुर्भुज लिख दिया है, जो मुजफ्फरपुर शहर का रेड लाइट एरिया भी बताया जाता है। वहीं इस पूरे मामले में बिहार विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्र के इस करतूत का सत्यापन किया जाएगा और जांच के बाद सही साबित होने पर फॉर्म को निरस्त तो कर ही दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जा सकती है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय छात्रों की तरफ से कई बार ऐसा किया गया है और अब इस बार भी किसी शरारती छात्र के द्वारा ऐसा किया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इस छात्र के द्वारा की गई इस करतूतों का भी ये परीक्षा फॉर्म सोशल मीडिया पर तेजी से खूब वायरल हो रहा है। वहीं अब इसके बाद इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को हुई है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई जांच में पता चला कि छात्र जिला के मीनापुर के धनराज भगत डिग्री कॉलेज के नाम से भरे गए बीए पार्ट 2 के ही छात्र 2017 से 2020 के इस परीक्षा फॉर्म में छात्र ने अपने पिता का नाम इमरान हाशमी और माता का नाम सनी लियोनी बताया है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय की भी एक बार फिर से खूब चर्चा हो रही है। लड़के की बदमाशी है, गलती से उसने कुछ ऐसा कर दिया है, जानबूझकर कुछ लिखे हुए हैं, लड़के की गलती बदमाशी कहा जाए। इसकी जांच वगैरह आपके स्तर से कराएंगे? इस बात को हम लोग एग्जामिनेशन बोर्ड में भी ले जाएंगे, वहां भी देखेंगे क्या है, उसके साथ क्या होना चाहिए वैसा किया जाएगा। प्लस उस कॉलेज को भी पूछा जाएगा कि ऐसी क्या बात है, निश्चित रूप से कि मैंने ऐसा क्यों उठा, क्योंकि वेरीफाई उनको करना चाहिए, कहीं कुछ लगा हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।